विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि जब तक ज्यादा से ज्यादा जांचें नहीं होती तब तक मरीजों का सही आंकड़ा पता नहीं चलेगा और संक्रमण बेकाबू होता जाएगा। मरीजों की लगातार संख्या बढ़ने से केंद्र और राज्यों की सरकारें टेस्टिंग बढ़ाने पर काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार सुबह तक देश में कुल 5,734 लोग कोरोना से संक्रमित थे। इसमें 61% मरीज दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में हैं। इन 6 राज्यों में देश की 27% आबादी रहती है, लेकिन कोरोना वायरस की जांच करने वाली 52% से ज्यादा लैब यही है। तेजी से टेस्टिंग के लिए अलग अलग राज्यों में 21 नई लैब बनाने की तैयारी है। नई बनने वाली प्रयोगशालाओं में से 7 लैब इन्हीं 6 राज्यों में बनाने का प्रस्ताव है। देश में जब संक्रमितों की संख्या 4,067 थी तब 284 जिले इस बीमारी से प्रभावित थे। इसमें से 156 जिले इन्हीं 6 राज्यों में से हैं। सरकार देश में मौजूद और नई बनने वाली प्रयोगशालाओं का अधिकतम इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक डॉक्टर आर गंगा खेड़कर ने कहा कि लैब की वर्किंग 2 शिफ्टों में करने की तैयारी है। इसे वर्तमान में रोजाना 13,000 जांच की क्षमता को बढ़ाकर 26,000 किया जा सकता है। तो गाइज हमारे पास इससे रिलेटेड जो भी अपडेट थी हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।